से रामनिवास यादव अपने श्यामपुर ग्राम श्यामपुर में प्राथमिक वन लघु उपज सहकारी समिति श्यामपुर में कुछ आयोजन हुए हैं वो इस प्रकार है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामविलास डिगोनिया है जी। मैं प्राथमिक लघु वन उपज सहकारी समिति मरिया जी श्यामपुर जिला यूनियन सीओ से प्रबंधक हूँ। आज हमारी 31वीं वार्षिक साधारण सभा थी। इसमें हमारे वार्षिक बजट और वार्षिक आय व्यय का अनुमोदन, पुरानी गत आम सभा की पुष्टि, अंकेक्षण आपत्तियों का निराकरण इत्यादि कई प्रस्ताव ये वार्षिक साधारण सभा में रखे जाते हैं। ये वर्ष में एक बार होती है। ये 1989 से अभी तक ये 31वीं वार्षिक साधारण सभा थी हमारी। आप हमारी समिति के अध्यक्ष हैं रामदेव जी भार्गव, आप उपाध्यक्ष हैं जगदीश सल्लाम। इस प्रकार हमारे 11 समिति के मेंबर के बोर्ड के मेंबर होते हैं 11 संचालक। ये प्राथमिक स्तर की संस्था है। आपका जो आयोजन था उसका उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य तो ये वार्षिक बजट है। इसके साथ हमने ये कोरोना की महामारी को देखते हुए हमने अपने संग्राहक सदस्यों को सैनिटाइजर और मास्क का वितरण भी किया, जिससे कि जनता में और जागरूकता और गांव में जागरूकता आ जाए। आपकी जो संस्था है उससे जो हितग्राही है इसको अभी तक वर्तमान में क्या क्या लाभ हुआ? वर्तमान में अभी संग्राहकों को सबसे पहली बात तो तेंदुपत्ता की जो मजदूरी है वो 250 रुपये प्रति सैकड़ा से है, तो मजदूरी पर्याप्त मिलती है। इसके बाद जो पत्ता बिकनी और जो प्रॉफिट होता है उसका 50% बोनस के रूप में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो संग्राहक साधारण मृत्यु होती है उसको 10,000 रुपये बीमा के रूप में, और जो एक्सीडेंटल मौत होती है उसको 2,00,000 रुपये तेंदुपत्ता मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत दी जाती है। इसके साथ एकलव्य शिक्षा छात्रवृत्ति जो तेंदुपत्ता के संग्राहकों के मजदूर के जो बच्चे पढ़ते हैं और जो 60% से ऊपर अंक अर्जित करते हैं पिछली कक्षा में, छात्रवृत्ति के तहत छात्रवृत्ति दी जाती है। जैसे आपकी संस्था से करोड़ों रुपए का लाभ होता है उसमें मजदूर को कितने परसेंट मिलता है? मजदूर को बोनस के रूप में जो शुद्ध लाभ होता है उसका 50% बोनस के रूप में मिलता है। इसमें बीच में कोई बिचौलिया वगैरह या गवर्नमेंट से सीधा पैसा आता जाता है? इसमें कोई बिचौलिया नहीं, ये तो सीधा लाभ जैसे होगा, लाभ पूरा शुद्ध लाभ, मतलब पूरे सारे खर्च काटने के बाद जो शुद्ध लाभ होगा उसका 50% संग्राहकों को चले जाता है लाभ बोनस के रूप में। उसमें से 20% और 30% की राशि मूलभूत सुविधा या ग्राम विकास या वन विकास के लिए, 50% उसके लिए खर्च की जाती है।